नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। अपने यूट्यूब चैनल संजय गेट मी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी प्लस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट हिंदी का करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से बाहर आपका पेपर हिंदी में नहीं जाएगा, तब हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। इसमें ऐसे मैंने क्वेश्चन रखे हैं कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा रखे गए हैं। टोटल 37 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए, एनालिसिस करते हुए डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को लास्ट तक देखें। एक क्लास आप लोगों के लिए, वर्दी के लिए, ठीक है, नौकरी पाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। देखिए, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है उच्चारण स्थान से। वा का उच्चारण स्थान है, बताइए कौन सा होता है वा का उच्चारण स्थान। तो देखिए, जो वा का उच्चारण स्थान होता है, वा का जो उच्चारण होता है वो दंत और ओष्ठ, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत ओष्ठ होता है, इसीलिए इसको दंत ओष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में एनालिसिस की जरूरत होगी उसको एनालिसिस भी करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, मतलब ऐसा वर्ण बताइए जो कंठ से भी बोला जाता हो साथ ही साथ तालु से भी बोला जाता हो। तो देखिए, हा जो है वो कंठ वर्ण है, वो भी कंठ वर्ण है। छा कौन सा वर्ण है, कंठ तालु, ये तालव्य वर्ण है। ये जो है ये दो वर्णों से मिलकर बनी हुई होती है, कौन कौन से, आ प्लस ई से। ठीक है, तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ई का होता है तालु, तब इसलिए ए का कौन सा होगा, ए का हो गया कंठ तालु। तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, कंठ तालु वर्ण कौन सा होता है, हमारा ए होता है। ए पूछा जाए, ए पूछा जाए, ठीक है, दोनों होते हैं। बिल्कुल आराम से क्लास को देखिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अब आ जाते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए, वर्गीय व्यंजन पांच होते हैं जिनका उच्चारण स्थान पांच जगह से होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ। अब उन्होंने पूछा तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, तो देखिए, कु, शु, टू, तू, पु। ठीक है, इनका मतलब क्या है अभी बताते हैं। एक कु का मतलब काबर, शू का मतलब श्यावर, टू का मतलब टावर, तू का मतलब टावर, और पा का मतलब पावर। काका कंठ कंठ से होता है उच्चारण, इसलिए जो कंठवर्ण कहलाते हैं। चू का होता है कंठ तालु, तालु से, ठीक है, टू का कंठ तालु मूर्धा से, इनका दंत से और इनका ओष्ठ से। च्यावर्ग में कौन से पांच वर्ण आते हैं, चा, छा, जा, झा, या। तो तालव्य पूछा है, तो कंठ तालु, तो तालव्य वर्ण हमारे कौन से हो गए, बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत इंपॉर्टेंट जैसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब छा वर्ण है, छा वर्ण किसके योग से बनना है, मतलब छा एक मिश्रित वर्ण है, जे किन किससे मिलकर बनता है। देखिए, जे का तो सभी को मान लीजिए पता है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सा में भी कि कौन सा सा है। तो देखिए, जो छा वर्ण होता है वो दो वर्णों से मिलकर बना होता है, का, ठीक है, प्लस सा। और कौन सा सा है जी, कंठ ताले मूर्धन्य सा है, कौन सा है जी, मूर्धन्य सा है। तब ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, तुम कब आओगे, ठीक है, तुम कब आओगे। अब नेक्स्ट टॉपिक से है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें, बताइए कौन सा विराम इसमें लगेगा। देखिए, क्या है, कब है, कहाँ है, कौन है, ये सभी कैसे होते, प्रश्नवाचक होते, तो इनमें कौन सा यहाँ पर चिन्ह लगना चाहिए था, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए था, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे 37, बस आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, मतलब कोई कह रहा है कि तुम्हें मिलकर, तुमसे मिलकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें कौन सा उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो देखिए, आहा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं हुर्रा है, ठीक है, अलर्टनेस, सडन फीलिंग,
तो इसमें जो होगा वो होगा विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। अचानक कोई काम हो जाए कि अरे मैं एग्जाम में पास हो गया, हुर्रा वगैरह, ठीक है, तो इसमें होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी प्रश्न को किसी भी टाइम पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ? तो जे कौन इस चिन्ह का क्या नाम होता है बताइए, इस वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं जो जे लगा हुआ था। देखिए कभी कभी आपने दो लगे हुए देखे होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, और कभी कभी एक होता है, तो इसको हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। एक है तो एक हरा उद्धरण चिन्ह, दो है तो डबल उद्धरण चिन्ह। इसमें केवल एक है तो और इसमें एक और दो की बात ही नहीं की है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। हिंदी से बाहर आपकी नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, अतियुक्त में उपसर्ग। अब उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है, अतियुक्त में उपसर्ग क्या होगा? अति प्लस उक्त, ठीक है, अति प्लस उक्त, तो दो वर्णों से संधि वर्ण है, ठीक है, अति प्लस उक्ति, उक्ति माने कहना, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी को बड़ा चढ़ा कर कहना अतियुक्ति, इसलिए इसमें उपसर्ग हो जाएगा हमारा अति। देखिए जो हिंदी में उपसर्ग होते हैं वो होते हैं हमारे 12, संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में होते हैं 22। प्रापरा अपसम अनुअप, ठीक है, सब आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब आइए समादर और संरक्षण में उपसर्ग है। समादर और संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? देखिए सर मान लगाना, सम प्लस रक्षण, सम प्लस रक्षण, यहाँ पर एक संधि होती है, इससे जो है, ठीक है, यहाँ पर व्यंजन वर्ण हो, यहाँ पर माँ हलंत हो, तो माँ का अनुसार हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें सम प्लस आदर, इसमें है सम प्लस आदर, ऐसे लगा हुआ था आदर, ये आज जो यहाँ वाला है इसने इसको पूरा कर दिया था, समा आदर, तो सम है इसमें उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 10, प्रति उपकार, प्रतिदिन व प्रति उपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? प्रति प्लस उपकार संधि है, यह संधि हुई है इसमें, ठीक है, प्रतिदिन है इसमें, प्रति सीधे सीधे दिख रहा है, प्रति प्लस उपदेश बराबर प्रति उपदेश, ठीक है, तब इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति उपसर्ग। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। बार बार रिवीजन करेंगे जिससे आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। कौन सा स्त्रीलिंग है, मतलब इनमें एक शब्द है जो स्त्रीलिंग है, जैसे मित्र, हमारे अनेक मित्र है, ठीक है, पुल्लिंग है, सूचना मिल गई, ठीक है, यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है, इसकी तुमको सूचना मिल गई, ठीक है, तो कौन सा है जो स्त्रीलिंग, जे ही वर्ड है। उपहार, मुझे अनेक उपहार मिले। अध्याय, मैंने 4 अध्याय पढ़ लिए, ऐसे वाक्य का प्रयोग करके भी आप सीख सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तब इसमें स्त्रीलिंग कौन सा होगा? इसमें होगा बी वाला हमारा, ठीक है, सूचना मिल गई, ऐसा वाक्य प्रयोग करके देख लेंगे। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब एक इधर वाला पुल्लिंग है और इधर वाला स्त्रीलिंग है, 3 तो सही है, 1 गलत है, नहीं वाला क्वेश्चन समझ के देख लेना, नहीं है तो बताइए कौन सा नहीं होगा। जैसे मोटा मोटी, ठीक है, मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी, तेली तेलिन। देखिए मोटा मोटी बिल्कुल सही है, धोबी धोबिन सही है, इधर पुल्लिंग है, इधर स्त्री, लेकिन दाता दानी नहीं होता, यहाँ पर दात्री होगा, दाता तो सही है, दात्री होगा, दात्री, दात्री होता है, दाता का जो स्त्रीलिंग होता है वो दात्री होता है, तो कौन सा सही नहीं होगा? तब इसमें हमारा सी वाला सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कारक से रिलेटेड है क्वेश्चन, को और के लिए किस कारक के लिए चिन्ह है, ठीक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान संबंध अधिकरण वगैरह, ठीक है, उससे रिलेटेड है, कारक से रिलेटेड क्वेश्चन है।
को और के लिए, तो ये तो सभी को ही पता है संप्रदान के लिए। संप्रदान जो है कारक है, इसमें के लिए का प्रयोग किया जाता है। कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर हे भो अरे, ठीक है, संबोधन हे भो अरे होता है अपादान कारण कारक, जिसके द्वारा हम काम करते हैं। जैसे मैं पेन के द्वारा लिखता हूँ तो इसमें करण कारक होगा, कारण कारक नहीं करण होता है, ठीक है, मिस प्रिंट हो करण कारक होता है। तब तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए। देखिए मैं आपका आपको इरिटेट करने वाला नहीं हूँ बार बार बोल कर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है, वो सभी लोग कर ही देंगे क्लास को लाइक, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, ठीक है। चलिए पढ़ने पर ध्यान दें। लड़का पेड़ से गिरा, देखिए यहाँ पर गिरना है मतलब पेड़ ये है और ये बच्चा नीचे गिर गया तो अलग हो गया बिल्कुल। जैसे आपको ध्यान होगा कि पत्ता पेड़ से गिरता है तो इसमें कौन अलग हो रहा है, तो अलग होने के लिए हम केस का प्रयोग करते हैं, संप्रदान के लिए अपादान के अलग होने के लिए, ठीक है। तो कर्म भी नहीं हुआ तो संप्रदान के लिए होता तो अपादान से अलग होने के लिए। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। अब संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, सभी टॉपिक से रिलेटेड है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाशय देखिए दीर्घ संधि है तो मह आशय महाशय महाशय इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और महाशय ये तो होगा ही नहीं, ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दीर्घ संधि है, ऐसी हमको बनाना होता है जिसका मीनिंग हो। महा मह प्लस आशय वर्ड बन ही नहीं रहा है, इसमें शब्द बन रहा महा प्लस आशय महाशय, तो यहाँ पर बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो जाता, यही दीर्घ संधि होती है, ठीक है। इसलिए हमारा इसमें सी वाला सही होगा, महाशय महा प्लस आशय महाशय। देखिए इसमें क्या पूछा है, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। इत प्लस आदि, ई का यहाँ पर या हो रहा है, अब ध्यान कीजिए ई का या किस वाली संधि में होता है। यहाँ पे देखिए ईड़ संधि आपने एक पढ़ी होगी, ईड़ संधि होती ई उ रिर, ठीक है, ई उ रिर और लिर, ई उ रिल का या वा रा ला हो जाता है, तो ई का यहाँ पर हो रहा है इसलिए यहाँ पर ईड़ संधि है, ठीक है। इति प्लस आदि विराम इत्यादि में संधि कौन सी है, ईड़ संधि है, ए इज आवर राइट ऑप्शन। मनोहर शब्द में संधि बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मनोहर में कौन सी संधि होगी। स्वर संधि विसर्ग संधि व्यंजन संधि दीर्घ संधि, तो दीर्घ तो होगी ही नहीं, यह तो क्लियर ही है, ठीक है। मनोहर को ऐसे लिखा जाता है, मना प्लस हर, मन को हरण करने वाली कोई चीज, मन को सुंदर लगने वाली, तो यहाँ पर विसर्ग है इसलिए इसमें होती है विसर्ग संधि, तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, बताइए निर्गुण का कौन सा संधि विच्छेद होगा। निर प्लस गुण नी प्लस गुण नी गुण निर्गुण, तो देखिए निर्गुण जो होता है मूल शब्द ऐसे होता है नी विसर्ग लगी हुई होती और बराबर गुण गुण, तो विसर्ग का सा साकार राकार एक लंबी प्रोसेस होती है, सीधी ध्यान रखिए विसर्ग जो है यहाँ पर हलंतरा में चेंज हो जाती है, तो बन गया निर प्लस गुण। अगर यहाँ पर हलंत लगा होता तब जे वाला सही होता, इसलिए जे यहाँ पर हलंत है नहीं, इसलिए हमारा सी वाला इसमें जो सही होगा, ठीक है। जे ऊपर नीचे हो गया, डोंट वरी, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी, इसमें जे सी वाला सही होगा, नी प्लस गुण, अगर विसर्ग होता तब जे वाला सही होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बारह सिंगा समास शब्द में समास है। देखिए अगर इसमें द्विगु होता तो सभी लोग एक संग देखते हैं द्विगु समास लगा देते कि बारह संख्यावाची शब्द है, लेकिन यहाँ पर द्विगु है नहीं ऑप्शन। अगर द्विगु होता बहुव्रीहि है द्वंद्व है, तब देखिए जो बारह सिंग है इसमें जो समास होने वाला है वो है आपका बहुव्रीहि समास। ध्यान रखिए जहाँ पर भी अंक
मतलब संख्या आ जाए, ठीक है, संख्या हो, उसके बाद में शरीर के अंग का नाम हो, अंग का नाम हो, तो वहां पर जो होता है द्विगु समास ना होकर बहुव्रीहि समास होता है। जैसा त्रिनेत्र, बारह सिंगा, चतुर्भुज, पंचानन, पंच प्लस आनन, ठीक है, पांच सिर जिसके, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, ना कि द्विगु समास होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब जलमग्न बताइए, जल इसमें बाढ़ का टाइम चल रहा है, आपने बहुत बार सुना होगा जलमग्न हो गया शहर, पूरा शहर पानी से जलमग्न हो गया। तो इसका देखिए ऐसे आराम से कर लीजिए, जल से मग्न, मतलब जल मग्न माने तो डूबना, जल से डूबना, तो इसलिए सीधी सीधी से है, तो विभक्ति जो है वो इसमें छिपी हुई है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द्वंद तो होगा नहीं है, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास, जल मग्न, जल से मग्न, ठीक है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। 21, वज्र पाणि, वज्र माने हथियार होता है, ठीक है, जैसे शूल पाणि, चक्र पाणि, गदा पाणि, कुछ भी आ जाए, पाणि माने हाथ होता है, पाणि माने हाथ, ठीक है, और शूल माने होता है त्रिशूल वगैरह, ठीक है, और चक्र तो आप जानते हैं भगवान विष्णु को कहा जाता है चक्र पाणि, या कहीं पर भी लिखा हो पाणि, पाणि का अर्थ होता है हाथ, वज्र है हाथ में जिसके, वज्र पाणि, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें बहुव्रीहि समास हो रहा है। इस चक्रपाणि किसको कह रहा है, कहा जा रहा है भगवान विष्णु के लिए कहा जा रहा है, वीणा पाणि किसके लिए कहा जा रहा है, माँ सरस्वती के लिए कहा जाता है। तब आप ध्यान रखना इनमें कौन सा समास होगा, जहां पर भी पाणि आ जाए ऐसे वर्ण लिखकर, ठीक है, तो वहां पर होगा बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बार पूछा गया है, पंचवटी शब्द में समास होगा, बताइए बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इसमें तो आपको देखते ही घन लगा देना, पंच माने संख्यावाची शब्द है पहले, और बटी पांच वाटिकाओं का समाहार, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पंचवटी, अर्थात इसमें द्विगु समास होने वाला है। डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, भरपेट कहते नहीं, आज मैंने शादी में भरपेट खाना खाया, भरपेट, यथोचित, यथा प्लस उचित में कौन सा समास होगा। देखिए जब भी कभी आपको अव्यय शब्द मिल जाए पहले, जैसे भर है, यथा है, आ है, ठीक है, तब ये इन शब्दों में जब जब पहले अगर जब अव्यय शब्द यूज किया जाए, तब इनसे जो समास बनता है वो भी अव्यय भाव समास ही होता है। तब ध्यान रखना, जैसे भरपेट है, असमय है, यथा है, तब इन वर्ड को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अव्यभाव वर्ड, इसीलिए इससे बनने वाला समास हो जाएगा अव्यभाव समास, डी सही होगा इसमें। सप्तऋषि, सप्तऋषि में समास है, बताइए सप्त माने सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह, तो सीधे सीधे इसमें तो द्विगु समास है, संख्यावाची शब्द पहले, बाद में ऋषि का नाम है, सात ऋषियों का समूह, ठीक है, जैसे त्रिमुनि, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। सब ये क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, बिल्कुल ये तैयार हो जाएंगे अगर आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहे। पथ भ्रष्ट, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति वो गलत काम करने लगा, तब उससे कहते हैं तुम पथ भ्रष्ट हो गए हो। पथ भ्रष्ट मतलब जाना चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए आपको यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको ऐसे अपनी तैयारी को करना था, आप यूपी पुलिस की तैयारी ना करके आप और कुछ ही करने लगे, भटकने लगे, तब आप कैसे हो गए, पथ भ्रष्ट हो गए, अपने पथ माने रास्ता होता है, क्या होता है रास्ता, अपने रास्ते से भटक जाना, पथ रास्ते से, तो ये कौन सा जगह तत्पुरुष समास। 26, भौरा, कोयल, सखी, किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है, अब अनेकार्थी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब बताइए, तो जो अली, अली है, अत है, अंता है, आकार है, तो देखिए अली माने भौरा भी होता है, अली माने कोयल भी होती है, और अली माने भौरा भी होता है, अली माने सखी भी होती है, इसीलिए ये सभी इनके ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं, ये अली के अनेकार्थी शब्द हैं। सो ए इज अवर राइट ऑप्शन। 27,
कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेक अर्थ हैं, बताइए। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी जिसका नाश ना हो, हमेशा रहे, आतिथि, अच्युत, अनुरूप, अब्ज। तब जी आपको ध्यान रखना है, इन वर्णों को याद रखना है आपको। ये तीनों जो वर्ड हैं वो किसके अनेक अर्थ हैं, ये अच्युत के हैं, ठीक है। किसके? अच्युत, अच्युत के, अच्युत का मतलब अविनाशी होता है, अच्युत का मतलब विष्णु होता है, अच्युत का मतलब कृष्ण भी होता है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। चंद्रमा, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेक अर्थ हैं, बताइए। अब्ज, अच्युत, अनंता, आकार, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके मतलब चंद्रमा भी होता है, शंख भी होता है, कपूर भी होता है। तो सीधे सीधे आपको ये याद रखना, अब्ज, अब्ज माने चंद्रमा, अब्ज माने शंख, अब्ज माने कपूर, इस वर्ड को इतनी प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो इनके लिए कौन सा सही हो जाएगा? ए इज आवर राइट ऑप्शन। लगे रहिए, जल्दी ही आपका पेपर होने वाला है। पानी किस शब्द के अनेक अर्थ कहते, बताइए। पानी, प्रतिष्ठा, पारा, युक्ति, दूध। आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति है, वो बहुत खराब था, आज उसका सब पानी उतर गया समाज में, उसने एक गलत काम किया। पानी उतरने का मतलब होता है, पानी का मतलब प्रतिष्ठा होते, इज्जत, मान सम्मान, मान मर्यादा। इसलिए जो यहाँ पर पानी है, वो पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रिस्पेक्ट। उक्त शब्द का विलोम है, उक्त, उक्त का मतलब होता कहना। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, उपयुक्त में से कौन सा सही है, उपयुक्त, ठीक है। तो उपयुक्त का मतलब होता कहना, और इसका विलोम कर दो, अन प्लस उक्त, ना कहना, अन प्लस उक्त, ऐसे लिखा है, अन प्लस उक्त, उक्त माने कहना, अन उपसर्ग लगा दिया तब बन गया, यहाँ पर संधि हो गई, अनुपयुक्त, अनुक्त जो ना कहा गया हो। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। इसका विलोम बताइए। निर्दय, निर्दय जिसमें दया ना हो, निर्दयी जिसे कहते हैं, ठीक है। निर्दय का कौन सा होगा विलोम? सदृय, सहृदय, सदय और सब है। तो निर्दय का जो विलोम होने वाला है, वो होने वाला है आपका सदृय। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। निर्दय सदय, निर्दयी सदय जिसके हृदय में दया हो। उत्कर्ष, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष, आकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष। उत्कर्ष वर्ड बहुत बार पूछा गया है, तो उत्कर्ष का जो उल्टा होता है, विलोम होता है, वो होता है अपकर्ष। उत्कर्ष माने होता है ऊपर उठते जाना, और अपकर्ष का मतलब होता है नीचे गिरते जाने, ठीक है। इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, तो इसके लिए उत्कर्ष का अपकर्ष, सी इज आवर राइट ऑप्शन। बताइए चिरंतन, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिरंतन का विलोम हो, चिरंतन का मतलब होता है हमेशा चलने वाला, ठीक है, जो कभी भी ना रुके, हमेशा चलता रहे, आजीवन। तो चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर, चिता, विलोम इसका ढूंढ रहा है। तो चिरंतन का मतलब हमेशा चलने वाला, और नश्वर का मतलब जो नष्ट हो जाए, जो जीवन भर ना चले। जैसे हमारा लोगों का जो जीवन है वो चिरंतन नहीं, वो कैसा है, वो नश्वर है। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। तो इसका विलोम कौन सा हो जाएगा? नश्वर। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तीन इसमें पृथ्वी के पर्यायवाची है। पहली बात तो नहीं वाले वर्ड को आपको सर्किल कर लेना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अग्नि, लोकमाता, इला, मंत्री। तो देखिए, पृथ्वी का भू है, धरा है, ठीक है, ये तो सभी को ही पता होंगे। लेकिन इसका जो एक पर्यायवाची है, अग्नि भी होता है, ठीक है, अग्नि भी होता है, इला भी होता है, मंत्री भी होता है, लेकिन पृथ्वी का पर्यायवाची कभी भी लोक माता नहीं होता है। तो इसमें हमें नहीं ही वाला बताना था। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। 35, आंख का पर्यायवाची
है, बताइए यहाँ का पर्यायवाची देखिए नेत्र है, नयन है, चक्षु है, लोचन है, दृग है, दृष्टि है, ठीक है, जो वो दृष्टि कोचिंग वाले सर वो पढ़ाते हैं, डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर, विकास दिव्य कीर्ति सर, तो आँख के इतने पर्यायवाची होते हैं, इसमें बताना कौन सा है, चश्मा है, अद्र है, विभू है, बह है, तो आँख का जो पर्यायवाची वो है चश्म, चश्मा से ध्यान रखना, चश्मा कहाँ लगाते हैं आँखों पर, तो चश्म से आँख का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का कौन सा नहीं है बताइए, पानी भी होता है, पय है, अम्ब है, भव है, आभ है, आभ माने पानी, अम्ब माने पानी, पय माने पानी, ठीक है, पयोध पय को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला बादल, लेकिन पानी का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है, वो भव नहीं होता है, तो सी इज आवर राइट ऑप्शन, नहीं वाले क्वेश्चन को ऐसे सर्कल कर लिया करें। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, पुत्र का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है बताइए, पुत्र के लिए क्या क्या हम कहते हैं, देखिए आपने शादी का जो कार्ड होगा लिखा होता है उसमें मेरे आत्मज श्री, ठीक है, फला फला नाम लिखा होता है, तो आत्मज भी होता है, आत्मजा पुत्री के लिखा लिखा जाता है, तनुज मेरे तनुज, मेरे तनय, लेकिन तनया स्त्री हो जाएगी लड़की के लिए, तनुजा लड़की के लिए, अपर्णा लड़की के लिए, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो लड़के का जो पर्यायवाची है पुत्र का जो है वो अपर्णा नहीं है, अपर्णा लड़की का होता है ना कि लड़के का। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तो आज हम लोगों ने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कर लिया सभी लोग, ठीक है, आराम से क्लास को देखें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, क्लास को लाइक करें, सभी लोग शेयर भी करते रहें, ठीक है, और बताएं किस प्रकार से अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी बताता चलूँगा, पढ़ाता चलूँगा, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट हम लोग इसी प्रकार से करते चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बिल्कुल आपकी 100% जो है वो जॉब लगने वाली है, ठीक है, आपको खाकी भर्ती मिलने वाली है, बस जुड़ रही है हमारे साथ, थैंक यू।